बिहार होते हुए नेपाल जा रहा 40 लाख का गांजा रामगढ़ के कुजू में बरामद, दो गिरफ्तार। रामगढ़ के कुजू पुलिस ने नया मोड़ फोरलेन के पास 10 चक्के ट्रक में 4 क्विंटल गांजा बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। इस गांजे को बिहार के रास्ते नेपाल ले जाने की योजना थी। एसपी श्री कुमार ने बताया कि ट्रक में अवैध रूप से काफी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा को बिहार होते हुए नेपाल की ओर ले जाने की सूचना मिली। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। साथ ही नया मोड़ फोरलेन सड़क पर छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस ने मौके से चालक बिट्टू सेठी और उप चालक एन भास्कर राव, दोनों उड़ीसा के गंजम जिला को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के क्रम में बताया कि मादक पदार्थ गांजा आंध्र प्रदेश से लोड किया गया था, जो बिहार होते हुए नेपाल पहुंचाना था। अभियान के दौरान पुलिस ने ट्रक से 78 पैकेट बरामद किया है, जिसका वजन करीब 400 किलो है। इसको जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की बाजार में कीमत 40 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।